हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक फोन आया है जो कि है ओप्पो A15। और फ्रेंड्स, इसके अंदर चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये फोन हमारे पास एक शॉपकीपर से आया है जो कि एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला बंदा है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको कैसे डायग्नोज करके सॉल्यूशन हम करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आ गए हमारे मोबाइल की तरफ, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस फोन को हमने डिसअसेंबल किया हुआ है, और अब देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है और कहां से आ रही है और कैसे हम इसके फॉल्ट को डायग्नोस करके इसको सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। पार्ट काट सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसके अंदर चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम आ रहा है और ये चार्जिंग एरर दे रहा है। सो फ्रेंड्स, ये फोन जो हमारे पास आया है ये वाटर डैमेज फोन है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं इसका बोर्ड दिखाता हूं आपको, और इसको मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूं कि इसमें कहां पर पानी है और इसका क्या हुआ, क्योंकि इसके टेस्ट पॉइंट जो है पूरे खत्म हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे माइक्रोस्कोप की तरफ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें पानी लगा हुआ है, और ये जो टेस्ट पॉइंट है ये पूरे सड़ चुके हैं, और इसमें यहाँ पे जो रीडिंग आती है वो नहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से चार्जिंग एरर दे रहा है। चले आइए हम देखते हैं, मोबाइल बोर्ड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें रीडिंग मिल रही है प्रॉपर या नहीं मिल रही है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें हमारे मीटर को डायोड मोड पर सेट करना है, और क्योंकि ये एडवांस मल्टीमीटर है, ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है, इसलिए इसमें डायोड मोड पे चेक होगा। नॉर्मल मल्टीमीटर में बीप मोड पे चेक किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने रेड को ग्राउंड पे रख दिया, रेड प्रॉप को, और ब्लैक प्रॉप से हमें चेक करना है। सो फ्रेंड्स, हम इसका पहला पॉइंट चेक करते हैं और देखते हैं, ये BSI का होता है, और हम ये BSI का चेक कर रहे हैं, और इस पे भी हमें जो है रीडिंग नहीं मिल रही है। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि इसमें हमें बिल्कुल रीडिंग नहीं मिल रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका BTM चेक करते हैं, BTM में हमें रीडिंग मिल रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर में कि हमें BTM पे रीडिंग मिल रही है, और ये रीडिंग आ रही है हमें 2.203। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर BTM की लाइन नहीं मिल रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। सो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो BTM और BSI की लाइन होती है वो होती है इसकी बैक साइड में, और यहाँ पर जो मैंने इसको पत्रे को निकाल रखा है, इसकी जाली को, सील्ड को, यहाँ पर इसकी बैक लाइन होती है, BSI और BTM लाइन यहाँ से जाती है। ये जो BTM और BSI लाइन, इसकी यहाँ से, ये आप एरिया देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी BTM और BSI लाइन बैटरी कनेक्टर पर जाती है, जो कि डैमेज हो चुकी है वाटर डैमेज के कारण। हमें इसका भी ध्यान रखना है कि ये पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो जाए या ग्राउंड से शॉर्ट ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे जम्पर करेंगे और देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। हम इसकी BSI और BTM लाइन को जंप करेंगे यहां से।
हम हमारे बैकसाइड की तरफ आ चुके हैं और बैटरी कनेक्टर पर हम जम्पर करेंगे और देखेंगे फोन में चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। फ्रेंड्स, अब हमें इसको मास्किंग करनी होगी और हम मास्किंग करने के लिए जो हमारा यूवी ग्लू होता है, यूवी पेस्ट होता है, उसको हम यूज करेंगे और इसको मास्किंग करेंगे कि इसमें कोई फॉल्ट ना बन जाए या ये वायर ब्रेक ना हो जाए जम्पर। इसलिए हम इसको मास्किंग करेंगे और इसको यूवी लाइट से सुखा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस पर मास्क लगा दिया है, यूवी मास्क, और अब हम इसको यूवी लाइट से सुखाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको यूवी लाइट से सुखाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा यूवी ग्लू सूख चुका है और अब हम फोन को असेंबल करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे फोन को असेंबल कर लिया है और अब हम इसका चार्जिंग पिन लगा के चेक करेंगे कि ये चार्ज होता है या नहीं होता है और चार्जिंग एरर तो नहीं दे रहा है जो कि इसमें पहले प्रॉब्लम थी। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे फोन को चार्ज लगा दिया है और जैसा कि आप एम्पियर मीटर में देख सकते हैं कि ये 1 एम्पियर के आसपास एम्पियर ले रहा है और 2 मिनट, और आप फोन को भी देख सकते हैं कि फोन में 1% चार्ज हो चुका है फोन, जो कि पहले चार्ज नहीं हो रहा था, चार्जिंग एरर दे रहा था, बट अब चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और ये चार्ज होने लग गया है, 1% चार्ज हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो फोन आया था ओप्पो A15, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने 100% कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।